हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NMG राजस्थानी में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से लोगो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आपको लोगो बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अंत तक पूरा देखें और अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपके लाइक के बटन पर क्लिक करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है और मैं अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो बना सकूं, इसलिए आप लाइक ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड, अपना पिक्सआर्ट ओपन कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर आप ये वाइट सा बैकग्राउंड ले लीजिए और टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और जो भी आपका लोगो है उसका पहला अक्षर आप ले लीजिए और कलर चूज़ कर लीजिए, ये वाला, और फॉन्ट ले लीजिए ये वाला, और बिल्कुल इसको सेट कर लीजिए आप अपने हिसाब से जगह से। अब आप ड्रॉ में आ जाइए। ड्रॉ में आने के बाद फिल पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कलर चूज कर लीजिए और यहाँ पे कट लगा लीजिए इस टाइप से। बिल्कुल सीधा रखें। जितना चाहे आप उतना उसके हिसाब से आप कट लगा लीजिए। अब ये दूसरा कट लगा लीजिए आप, बिल्कुल लाइन को सीधा रखें। चलिए, हमारा पहला अक्षर तैयार हो गया है। अब आप फिर से टेक्स्ट में चले जाइए और लोगो का सेकंड नाम है जो भी ले लीजिए और फंट आप यही रखिए सेम, और बिल्कुल उसके हिसाब से कर दीजिए उसको, जैसी साइज है उतना ही रखिए। और इसमें भी आप काट छाँट कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं करूँगा। और मैं अगला फॉन्ट ले लेता हूँ। चलिए, मैंने ये फॉन्ट ले लिया और कलर भी मैंने सेम रखा है एन का, और इसको आप सेट कर लीजिए बिल्कुल इसी के हिसाब से। जितना बड़ा अपना नाम है उसके हिसाब से ये रखना। चलिए, ये हो गया हमारा। अभी आप फिर से ड्रॉ में चले जाइए। ड्रॉ में आने के बाद आपको ये गोल वाला क्लिक करना है और वो क्लिक करते ही आप इसको इस तरह से अच्छे से सेट करके इसको कट लगा लीजिए। चलिए, हमारा हो गया है। अभी आप इसका लोगो का नीचे का जो भी पॉइंट है आप क्या लगाते हो वो आप टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पे राजस्थानी लिखता हूँ तो यहाँ पे राजस्थानी लिख लिया मैंने और पॉइंट मैंने ये ले लिया है। और बिल्कुल इस लोगो के हिसाब से इसको, साइज के हिसाब से इसको बड़ा छोटा आप देख लेना। चलिए, हमारा लोगो एक तो तैयार बन के कंप्लीट हो गया है, सेव कर लीजिए इसको। चलिए, मैंने ये दूसरा ओपन कर लिया है। अभी मैं टेक्स्ट में आ जाता हूँ और मैंने ये लिख लिया है पूरा का पूरा नाम।
और कलर मैंने ये चूज़ करूँगा, और फंड में ये वाला ठीक है, ये रखूँगा। और तो मैंने इसको सेट कर लिया, बीचों बीच सेट कर लीजिए आप इसको, और फिर से आप ड्रॉ में आ जाइए। ड्रॉ में आने के बाद ये गोल वाला आइकन ले लीजिए, और इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सेम कलर हो जाएगा। और इस गोले को आप बराबर उसके हिसाब से लगा दीजिए, फंड को बीचों बीच रख दीजिए। अभी आप ये चौस वाला ले लीजिए और इसको कलर सूट वाइट कलर ले लीजिए इसका, और इसको जहाँ से ये ज़्यादा है वहाँ से आप कट लगा लीजिए। अब आप इसको एक बीचों बीच कट लगाइए जहाँ से हमें ये काटना है। तो चलिए मैं ये बीचों बीच कट लगा देता हूँ। ये देखिए अपना पॉइंट सेम रखिए, और उसके ऊपर से नीचे से थोड़ा सा कट लगा दीजिए ताकि मालूम चल सके कि कहाँ से कट करना है। अभी आप देखिए ये छोटा सा ज़्यादा है, तो इसको आप इस तरह से काट लीजिए। इधर से हो गया, अभी आप इधर से सेट कर लीजिए। इसी तरह से आपको कट लगाना है धीरे 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 पूरा, ये जहाँ पे एक्स्ट्रा कट लगाना है वहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए थोड़ा बच गया है, हाँ यहाँ से ये हट गया है। अभी इधर से थोड़ा और है, ये देखिए बिल्कुल हट गया। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, तो आप ऐसा कीजिए गोल वाला लेके आइए। चलिए ये गोल वाला ले लिया है। अब इस गोल वाले को आप इस तरह से कट लगा लीजिए, बिल्कुल सेम देखेगा पता भी नहीं चलेगा इस तरह। ये नीचे का भी है थोड़ा, ये भी आप कट लगा लीजिए अपने हिसाब से। तो आपको इसी तरह से कट लगाना है फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड मोड पर कर लेता हूँ ताकि आपका समय थोड़ा बच सके। चलिए चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आप इसमें थोड़ा सा बड़ा कट लगा लीजिए इस तरह से। ऊपर भी लगा लीजिए। चलिए ये हमारा हो चुका है। अभी इस पे गोले गोला लगाना है ऊपर में, ये वाला। अभी आप कलर चूज कर लीजिए यहाँ से, और बिल्कुल इसके ऊपर ये सेट कर दीजिए आराम से। इस तरह से फ्रेंड ये दोनों लोगो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है।
ये दूसरा भी लगा लीजिए, बिल्कुल इसके पास में ही रहना चाहिए, तभी ये अच्छा लगेगा। चलिए ये हमारा हो गया है कंप्लीट, अभी आप इसको ओके कर दीजिए और टैक्स में आ जाइए। अभी आप कौन सा फंड नीचे यूज़ करना चाहते हैं वो फंड टाइप कर लीजिए और कलर चूज़ कर लीजिए और फंड चूज़ कर लीजिए कौन सा रखना चाहते हैं। चलिए ये वाला मैंने चूज़ कर लिया है। अभी इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, चलिए ऐसे लगा लेते हैं, ये भी अच्छा लगता है। दूसरा वाला पॉइंट ले लिया मैंने ऊपर का और इसको भी मैंने ये चूज़ कर लिया है पॉइंट, और इसको भी मैं ये गोल का आकार दे रहा हूँ और अब इन इस लोगों के साइज से ये लगा लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।